हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि हायरिश पे आप अपनी केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर डालने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, सारे आपके जो है प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको hirish.net पर अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ 3 लाइन पे दिखेगा, 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। और सबसे शुरू आपको KYC कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए व्यू प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके आईडी से रिलेटेड सारी जानकारी खुल जाएगी, जैसे कि माई प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, KYC। तो KYC पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। KYC पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ बैंक डिटेल्स दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक डिटेल्स डालना है अपना, जैसे कि बैंक का नाम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो पासबुक का फोटो होता है वो आपको डालना है, जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। फर्स्ट पेज जो रहता है, पहला पेज पासबुक का, उसका फ़ोटो खींच के आपको डालना है। फोटो जो है लाइटिंग रहना चाहिए, फ़ोटो अच्छा आना चाहिए। फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ईजिली अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड डिटेल्स आएगा। तो नेशनल आईडी कार्ड में आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर आधार कार्ड का फ़ोटो डालेंगे। आधार कार्ड का फ़ोटो भी जो होगा लाइटिंग होगा, एकदम अच्छा फ़ोटो आना चाहिए क्लियर। और उसको फिर क्रॉप करके आप लोग फ़ोटो को, आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे करिएगा यहाँ पर, तो पैन कार्ड डिटेल्स आएगा। पैन कार्ड डिटेल्स में पैन कार्ड का जो आईडी रहता है, आईडी नंबर, वो आपको डालना है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर डालना है आपको। उसके बाद पैन कार्ड का फ़ोटो अगर मांगता है आपको तो पैन कार्ड का फ़ोटो आपको यहाँ पर दे देना है, तो ये भी आप लोगों का अप्रूव्ड हो जाएगा। ये सब देने के बाद क्या होता है करके कि आप लोगों की KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर अकाउंट नंबर या पैन कार्ड या आधार कार्ड डालेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, फिर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होने में कम से कम 10-8 घंटे लगते हैं, उसके बाद अप्रूव्ड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब आप लोग डाल लिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ दिखेगा एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, जिप कोड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नॉमिनी डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर खुल जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि नेम आप लोग बदल नहीं सकते यहाँ पर, है ना। तो आप लोग यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप फीमेल हैं कि मेल हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, एड्रेस चेक कर लीजिएगा, अगर एड्रेस में कोई भी दिक्कत हो तो उसको यहाँ से सुधार सकते हैं आप लोग। जिप कोड आपका तो वही रहेगा, मोबाइल नंबर भी वही रहेगा, इंडिया वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नॉमिनी दिखेगा, नॉमिनी डिटेल्स। तो नॉमिनी डिटेल्स के लिए नॉमिनी नेम दिखेगा, तो जिसके नाम पर आप नॉमिनी इसको रखना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद नॉमिनी रिलेशन, कि आप लोगों का जो इसका नॉमिनी आप रख रहे हैं तो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, ठीक है, भाई है, बहन है, माँ है या वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी है यहाँ पर वो डालना है आपको, है ना। तो उसके बाद फिर नॉमिनी का एड्रेस डालना है आपको कि नॉमिनी किस एड्रेस में रहता है। अगर सेम एड्रेस में रहता है तो सेम एड्रेस आप लोग डाल दीजिएगा, जो एड्रेस आपने आईडी बनाते वक्त डाला है, या आईडी में आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस को नॉमिनी एड्रेस में डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद, नॉमिनी डिटेल्स डालने के बाद आप लोग सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो है नॉमिनी कंप्लीट हो जाता है और KYC आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है और एडिट प्रोफाइल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से KYC और जो प्रोफाइल एडिट है वो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मैंने KYC से रिलेटेड सारा जानकारी दे चुका है। अगर आप लोगों को अभी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोगों को सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से आप लोगों को फोटो अपलोड करना है, KYC कैसे कंप्लीट करनी है, मैंने सबको समझा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर बहुत सारे डले हुए हैं। हायरिश से रिलेटेड कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट भी है हायरिश का, तो जाकर देखिए, एक बार विजिट कीजिए प्लेलिस्ट को या तो हायरिश रिलेटेड वीडियो को देखिए, आप लोगों को सारा जानकारी मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।